अफसाना पे एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड चिकन रोल। तो इसे बनाने के लिए मैंने जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं वो सबके घर में बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही कम समय में ये हेल्दी एंड टेस्टी खाना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मेरी इस रेसिपी को। और आज की मेरी ये रेसिपी अगर आप सबको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें। और अगर दोस्तों आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका अगर कोई अपना कुछ ख्वाहिश है जो हम बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, हम उसे ज़रूर ट्राई करेंगे। तो चलिए इसे बनाने के लिए हमने लिए है 100 ग्राम बोनलेस बॉयल चिकन। इसे हमने छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिए हैं। और यहाँ पे मैंने लिए है प्याज 1 कटोरी बारीक कटी हुई, धनिया पत्ता 1 कटोरी बारीक कटी हुई, नमक स्वाद के अनुसार, ऑयल लिए है इसे फ्राई करने के लिए। और यहाँ पे मैंने ब्रेड का स्लाइसेस ले लिए है और इसका कॉर्नर साइड काट लिए हैं। एक अंडा, और यहाँ पे मैंने लेमन जूस ले लिए है 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने एक पैन चला दिए है और गैस का फ्लेम लो मीडियम रखे हैं। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें 1 टीस्पून हरा जीरा डाल देंगे। जीरा हमारा फ्राइड हो चुका है, अब हम इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे। दोस्तों, प्याज को हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का सा सैलो फ्राई करेंगे। मिला लें इसे अच्छी तरीके से। अब हम इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून डाल देंगे, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून डाल देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला 1/4 टीस्पून और नमक स्वाद के अनुसार। अब फिर से इसे मिला लें अच्छी तरीके से। इसे हम 2 से 3 सेकंड तक मीडियम आंच में भुनेंगे। अब हम इसमें मैश किया हुआ चिकन डाल देंगे। इसे हमने बॉईल कर लिया है और उसके बाद इसे क्या है, हाथ से मैश कर लिए हैं ताकि ये छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून लेमन जूस डाल देंगे। और धनिया पत्ता डाल देंगे बारीक कटी हुई। आप चाहे तो इसमें और भी सारे सब्जी ऐड कर सकते हैं। फिर से इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। अब हम एक बाउल में अंडा फोड़ लिया है और इसे हम थोड़ा सा मिला लेंगे इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बटन में। तो हमने ये चिकन को एक बाउल में निकाल लिए है और अब हम क्या करेंगे, ये ब्रेड को हाथों में इस तरीके से लेके पानी में जस्ट हल्का सा डुबो के तुरंत ही इसे उठा लेंगे और पानी निकाल देंगे इस तरीके से। दोस्तों, ये प्रोसेस को बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। अब हम इसमें चम्मच से हमारा जो ये जो फ्राइड किया हुआ चिकन है, भुना हुआ चिकन, इसे डाल देंगे अंदर इस तरीके से। और इसका जो कॉर्नर साइड है बहुत ही ध्यान से और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस को हम इसे करेंगे, नहीं तो क्या है, ये जो है हाथों से निकल जाएगा। हथेलियों से इस तरीके से इसे प्रेस करेंगे हल्का हल्का सा। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही हल्का हल्का सही से इस तरीके से प्रेस करना पड़ेगा। तो ये देखिए, हमारा एक चिकन रोल रेडी हो चुका है। अब हम एक प्लेट लिए हैं और इसमें 1/2 कप ब्रेड क्रम्स डाल देंगे इस तरीके से और इसे अच्छी तरीके से फैला देती हूँ। अब हम एक एक करके ये ब्रेड रोल लेंगे और इसे इस तरीके से डुबो लेंगे अंडे में और देन उसके बाद
ब्रेड क्रम्स के इसे कोट करेंगे इस तरीके से। इससे क्या होगा, ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगा इस तरीके से। ये देखिए, अब हम इसे तलेंगे। कढ़ाई पे तेल हमने ऑलरेडी दे दिए हैं और तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके सारा ब्रेड रोल डाल देंगे। दोस्तों, हम इस रेसिपी को हाई फ्लेम में ही तलेंगे, नहीं तो क्या है, ये क्रिस्पी नहीं बनेगा, ये स्मूथ बन जाएगा। हमने एक फोक लिए हैं और इसे क्या करेंगे, इसे एक बार ही पलट देंगे। इसका एक तरफ साइड हो चुका है, अब इसे दूसरी तरफ पलट देंगे इस तरीके से। हमारा ब्रेड चिकन रोल एकदम से तैयार हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे किचन टॉवल में। हमने इसे किचन टॉवल में निकाल लिया है ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बाहर। दोस्तों, बन चुका है हमारा ब्रेड चिकन रोल। और इसका जो ये हरी चटनी है, इसे हम धनिया पत्ता, हरी मिर्च और दो लहसुन डाल के इसका पेस्ट बना लिए हैं ग्राइंडिंग जार में, और थोड़ा सा इसमें नमक डाले हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये रेसिपी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिर मिलेंगे कुछ नया रेसिपी।